अगर चंगे बच्चक हो गया ताना का छोटा बाबू बलेश्वर प्रसाद हमारी पत्नी के साथ गलत संबंध रखता है। नमस्कार बीटी न्यूज बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं संगम रॉय। आखिरकार कितनी बार बदनाम होगी बिहार के थाने का खाकी दाढ़ी। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसे बच पाएगी महिलाओं की आबरू। जी हां, कटिहार जिले के बरारी थाने के एसआई बालेश्वर प्रसाद ने बरारी पंचायत के 83 टोले के एक दिव्यांग की पत्नी को अपने हवस का शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि उक्त एएसआई ने कुछ दिन पहले इस दिव्यांग का मदद भी किया था। पति का आरोप है कि इसने दिव्यांग की पत्नी को एक मोबाइल फोन भी दे रखा था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार आपत्तिजनक हालत में पकड़े जाने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने उक्त पुलिसकर्मी को बांध कर रखा। साथ ही रंगेली मनाते अधिकारी को लोगों ने जमकर पिटाई भी कर दी है। ग्रामीणों के द्वारा एसपी कटिहार को शिकायत के बाद बरारी पुलिस मौके पर पहुंचकर पीड़ित से आवेदन देने और कार्रवाई करने को लेकर आश्वासन भी दिया है। पीड़ित ने बताया कि बरारी थाने के एएसआई बालेश्वर प्रसाद बुधवार की संध्या में जब मैं बाहर से घर आया तो देखा कि मेरी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में पाया। मैंने विरोध किया तो मुझे घर के अंदर बांध दिया गया और उक्त पुलिस अधिकारी के द्वारा मुंह में कपड़ा लगा दिया कि मैं चिल्ला भी ना सकूं। इसी दौरान मेरी बहन इंटरसिटी से घर आई तो मुझे बंधा देख उसने मुझे खोला और उक्त पुलिस को असली स्थिति में देख शोर मचाने लगी, जिसके बाद ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़कर उक्त पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई भी कर दी। वहीं बरारी थाना से भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। थाना प्रभारी संजय कुमार ने पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और पुलिसकर्मी को छुड़ाया। वहीं उग्र ग्रामीणों से एसपी कटिहार विकास कुमार ने बात किया और भरोसा दिलाया कि आरोपी पुलिस को सस्पेंड किया जाएगा, साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो देखते रहिए बीटी न्यूज बिहार। क्या हुआ? मेरा कुछ नहीं बचा, मेरे बच्चे अनाथ हो गए। कौन लोग थे वो? अग्रक्षा के बच्चा हो गया सर। अग्रक्षा के बच्चा हो गया ताना का छोटा बाबू बलेश्वर प्रसाद हमारी पत्नी के साथ गलत संबंध रखता है। रात में क्या हुआ? रात में हमको मान दिया वो लोग। शायद उसका ड्यूटी था, शायद वो 9:30 बजे जाने वाला था पेट्रोलियम की क्या होता है उसकी ड्यूटी पे। वो आया यहाँ, हम बोला इसका 10 मिनट का ना काम है यहाँ पे। वो लोग मेरी पत्नी और वो दोनों खाना बनाए खाए, उसके लिए बना था, मेरी पत्नी खाना बनाई थी, मैं तो बाहर से ही खाना खा के आया था, मुझे तो यहाँ खाना मिलता ही नहीं है। उसके बाद वो खाना खाया आराम से, उसके बाद बोला इसको कमरा में बंद कर दो। मैं नहीं नहीं मुझे कमरा में बंद मत करो। बोला नहीं ये सरदार गद्दार है, ये सबको बताएगा, ये फ़ोन करेगा, ये पहले से ही सब कर रखा है, इसको जान से मार देना ही बेहतर था, तुम बोलती हो नहीं मारेंगे। और हाथ बांध करके उसको वहाँ घुटा दिया बगल में मेरे आंगन में। बोला आधा घंटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटा में हम चले जाएंगे। तो उसके बाद ये लोग गलत संबंध कर रहे थे, तब तो हमारी बहन भी आई, गांव के कुछ लोग आए निकाले। किस अवस्था में थे वो लोग? अवस्था तो जो लोग देखा वो तो खुद ही बता देगा कि किस अवस्था में थे। आपके गोदी में कौन है? ये मेरी बेटी है, मझली बेटी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं सर। क्या अब 1 साल का मेरा बेटा है, मेरा बाप जैसा था वो साला गंदार। आपके पत्नी अभी है कहाँ? पता नहीं कहाँ भाग गई है, गांव वालों ने पकड़ा था औरतों ने उसको, पता नहीं कहाँ भागी है वो। रात से ही फरार? रात से फरार है सर, छत फान के भागी है, कैसे भागी है। और गांव वाले बताएंगे, छोटा बाबू होगा सर। क्या अब तक FIR किया आप लोग? अभी नहीं गए सर थाना, मैं अपाहिज आदमी, मेरे साथ कोई सहारा रहेगा तभी तो जाएंगे हम थाना। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दोबारा वो लोग कई एक लोग आए थे, कौन लोग थे वो? रात को
मेरी बहन बोली तू यहाँ अकेले नहीं सोएगा। मैं कहा नहीं यही सोएंगे हम, हमको नहीं जाना, हमको नहीं जीना है। फिर बोली नहीं तो चल यहाँ से, मार देगा वो लोग। पता चला रात में दो मोटरसाइकिल से अनजान चार लोग आए थे घर में घुस करके, सारा डॉक्यूमेंट्स ले गए, जेवर जेवरात लोग कर तोड़ करके ले गए, साड़ी कपड़ा उसका भी गायब है। तो इससे ये लगता है कि उसी ने आदमी सेट किया होगा। मेरा मोबाइल 99 31 75 66 65 मेरे कोचिंग का नंबर है, वो भी उसके पास चला गया। आप कोचिंग चलाते हैं? जी सर। आपका परिचय? मेरा नाम अजीत सिंह। आपके पत्नी का नाम? प्रतिमा कुमारी। घर कहाँ? बरारी 83 टोला। उसके बाद पांडे जी जो है टीचिंग करते थे, संजय जायसवाल है कि भगत है उनका होलसेलर वाला। घर में सिर्फ आपकी पत्नी रहती है? बस मेरी पत्नी रहती है और कोई नहीं, कोई नहीं रहती है। एक बहन है बम्बई में रहती है, गायिका है, उसको मैंने बताया। किसी का मोटरसाइकिल पकड़ा लेकर चले, मोटरसाइकिल चलाने नहीं आता है। आज वो किशोर यादव का बेटा के साथ में आया था। देना पड़ेगा, अभी देना पड़ेगा। कहाँ बताएगा आप? बताइए यहाँ पर, बताइए। खूब मारती थी हमको, माने नहीं देगा, मिलने नहीं देगा, जान से मार देंगे। मोबाइल रखती थी, ये मोबाइल उसी ने दिया है, इसी का मोबाइल है। ये मोबाइल यही खरीद के मेरी पत्नी को दिया है, बालेश्वर नाम के साथ। मेरी पत्नी चलाती थी ये मोबाइल, जब मैं फोन करता था। पत्नी भाग गई, बयान तो उसी को। एक मिनट, थाना को फोन किया है? थाना को नहीं किया, नहीं किया। थाना को पहले फोन किया, थाना फोन करो, उसको आप बंद कर रखे हैं। थाना फोन करो, थाना फोन करो। मुखिया कौन है? मुखिया करते मुखिया मुखिया फोन नहीं किया, वार्ड मेंबर को फोन किया है, मुखिया फोन नहीं किया। बताइए कैसे नियम चल रहा है? मुखिया थाना के लोग समझ नहीं आ रहा है। मुखिया मुखिया, बीती रात जो घटना हुआ, आखिर क्या हुआ था, जानकारी दे। थाना का बलेश्वर प्रसाद छोटा बाबू जो है जी, हमारे यहाँ कई पहले से आते थे। हम सोचे कि भाई बुजुर्ग आदमी है, पिता समान है, चलिए। एक मैटर था बांस कटवाने वाला, जमीन का मैटर था, उसी सिलसिले में वो आना जाना शुरू किए। तो हमारे यहाँ बैठना उठना हुआ, खाना पीना हुआ, उसके बाद वो हमारे अबसेंट में आने लगे धीरे धीरे जी। और हमारी पत्नी के साथ में उनका संबंध था। ये गांव के कुछ लोगों ने हमको कहा कि तुम जो अजीत जब जाते हो पढ़ाने के लिए, उसी दरमियान वो व्यक्ति तुम्हारे घर में आता है। तो हम कहे आता होगा, कोई बात नहीं, देखते। तब हम इसको फ़ोन करते थे कि बलेश्वर बाबू आप घर गए थे क्या? ना, तो हम अपनी पत्नी से पूछते थे कि घर गए थे, आए थे, कोई आया था घर में? तुमने ना, कोई नहीं आता है। मेरा शक बिल्कुल सही होने लगा कि जरूर यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तब हम एक दिन आए तो हमसे बातचीत हुआ, वो लोग खाना पीना खाया और हमको बांध दिया पलंग पे, बोला तुम यहाँ बच्चा देखो, हम अंदर में आ रहे हैं। उस दिन भी तब गाँव को हमने कई बार बताया, तब गाँव के थ्रू हमको एक वीडियो मिला जो ये लोग गलत कर रहे थे। उसके बाद हम अपनी बहन को बताए, गांव में कुछ लोगों को बताए, तो लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है, इसमें पूरा गैंग मिला हुआ है, पूरा थाना मिला हुआ है, इसके पास शासन है, इसके पास प्रशासन है, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे तुम, इसको सबूत चाहिए, सबूत दोगे तब ना, हम अकेले क्या करते हैं? हम अकेले तो पूरी लड़ाई लड़ नहीं सकते। अपाहिज भी है, मैं एक विकलांग आदमी हूँ, और मुझे वो धमकी देता था कि तुम अगर कहीं किसी को कुछ बोले, अगर मुझे भनक लग गया तो मैं काट कर यहीं गाड़ दूंगा और प्लास्टर कर दूंगा ऊपर से, पता भी नहीं चलेगा कि तेरी लाश कहाँ चली गई। तो हमको तो अपना जान बचाना था, प्लस इसको पकड़ना भी था, क्योंकि तो हमारी पत्नी उसके साथ मिल चुकी थी ना, मेन तो प्रॉब्लम मेरे साथ ये था। तब क्या करते हैं हम, किस पद पे मौजूद है वो? छोटा बाबू के पद पे है, बरारी थाना। बरारी थाना जी। आपका नाम? अजीत सिंह। घर कहाँ है आपका? यही 83 टोला बरारी। 83 टोला बरारी जी। हम जब यहाँ आए ना, तो मेरा भाई हमको फ़ोन किया था कि बेबी देखो ना, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी पत्नी देखो ना, तुम्हारी प्रतिमा ही भाभी ही मेरे साथ ऐसा करी, इसका गलत नाजायज संबंध किसी से है,
तो हमने कहा ऐसा है कि देख लो पहले, तो हमको देखो ना बेबी मारता पीटता है, मेरा पीठ में पूरा घाव हो गया है। इसने हमको रिकॉर्डिंग किया, रिकॉर्डिंग करके हमको भेजा कि देखो। हम कह के हमको विश्वास नहीं है, बोला कि ठीक है तुम आन रखो मोबाइल, मोबाइल आन रखो तब हम सुनेंगे, हम जानना चाहते हैं सच्चाई क्या है। मेरे मोबाइल में उसकी सारी रिकॉर्डिंग, मेरे भाई को मारने की सारी चीज़ें उसमें है। गाली देती थी मुझे, मुझे भी देती थी, मेरे भाई को बहुत मारा। फिर हम कहें कि अब क्या करें, तो हम कहें अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं। बहुत मेरा भाई रोता था फ़ोन पे, हम बहुत बर्दाश्त किए, लेकिन हम जब आए तो हम कहें चलो देखते हैं। आए दरवाज़ा खोलें तो देखें दोनों को इसी बिस्तर पे एक साथ, दोनों को अस्त व्यस्त व्यवस्था में मैंने देखा। और जब हम उसको पकड़ना चाहे, हम कहें ये क्या हो रहा है, तब तक मेरा ये गला पकड़ा, यहाँ पे अंदर में मेरा छिला गया है। बलेश्वर प्रसाद और प्रतिमा ने हमको हमला किया, वो मंजू गांव के कुछ लोग थे जो मुझे बचाए, उस और हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत अन्याय हुआ है। पुलिस कब से चल रहा था ये चीज? ये मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले से चल रहा था, लेकिन मुझे 10 दिन पहले ये बात मालूम चला है जी। मेरे भाई ने मुझे बताया नहीं ये सब सारी घटनाएं, क्योंकि इसको बोलता था कि मैं तुझको मार दूंगा, जान ले लूंगा तेरा, अगर तू अगर किसी को भी कहा तो इसने मुझे किसी तरह से बताया, बोला किसी को तुम कहना नहीं, तू बेबी डायरेक्ट आओ अब देख ले तू आंख से। तो हम तो आए तो डायरेक्ट हम पकड़े तो हम पे ही हमला कर दिया, तो गांव के कुछ लोगों ने मुझे बचाया नहीं तो मुझे ही मार डालते ये लोग जी। महिला जो थी वो क्या फरार हो गई रात में? रात में महिला को पकड़े बाहर ले गए रोड पे, वो पूरा ऐसे ही अस्त व्यस्त अवस्था में हम लोग बाहर निकाले, लेकिन हमको मार के दांत उत काट करके निकल गई, छत फाड़ के वो भाग गई है। वो भाग गई? हाँ वो भाग गई है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग यही करते हैं कि बलेश्वर प्रसाद जो थाना इंचार्ज है वो सस्पेंड हो जी, क्योंकि ऐसे गंदे थाना प्रभारी हमारे समाज में रहेगा तो हमारी बहू बेटियों की क्या इज्जत रह जाएगी। जब थाना प्रभारी है हमारे समाज की बहू बेटियों की इज्जत लूटता है तो हम जाएं किसके पास, गुहार किसके पास लगाए हम? सीधी बात है, मेरा बस यही प्रशासन से मांग है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। आप बबलू सिंह की कौन है? मैं उनकी बहन हूँ।